वीवो S17T यहाँ पे डिस्प्ले 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इस पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे कैमरे की बात करें तो डिवाइस में डुअल रियर कैमरे का सेटअप लगाया गया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा लेंस और ऑप्टिकल जूम स्टेबलाइजेशंस के साथ ये लॉन्च हुआ है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। और प्राइमरी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल्स का दिया गया है, और फ्रंट और लेंस मौजूद हैं जो कि दोनों कैमरे की मदद से 4K वीडियोस का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। तो यहाँ पे अगर अदर और फीचर्स की बात करें, जैसे कि डुअल सिम 5G वाईफाई 6 ब्लूटूथ GPS और NFC और USB टाइप सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इस कंपनी ने डायमेंसिटी 8850 चिपसेट का यूज़ किया है, जो कि प्रोसेसर परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा माना जाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 12 GB रैम है LPDDR4X रैम, 512 GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। अब यहाँ पे बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें डिवाइस में 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 4600 mAh की बैटरी के साथ सपोर्ट करता है। और OS की यहाँ पे जहाँ तक बात हो रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे S17T में लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड रखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि वीवो ने साल की शुरुआत में 17 शुरुआत अपने चीन में लॉन्च किया था। अब यहाँ पे 17 S17 और E17 और 17 प्रो 17T अभी स्मार्टफोन आ गया है, जहाँ पे प्राइस देखी जा रही है कि जो सिंगल वेरिएंट में 34,000 रुपये के आसपास में है, जो कि इंडियन के प्राइस के कन्वर्ट करने के बाद कितना निकल रहा है। माउंटेन सी ग्रीन ब्लू और सी ऑफ फ्लावर्स पिंक जैसे 3 कलर के ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है और सेल के लिए भी उसके ऑफिशियली वेबसाइट पे शुरू कर चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक के लिए, वीडियो अगर पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।